अस्सलाम वालेकुम, आतिफ बंगश अपनी एपिसोड नंबर 33 के साथ, और आज हम अब एक नए टॉपिक के साथ, और एक जो चीज़ हमेशा चैलेंजिंग रही है किसी की वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए, डेवलपर के लिए, और जो कंपनीज जो ऑनलाइन सर्विसेज या कोई भी शख्स जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज जब स्टार्ट करता है, वेबसाइट स्टार्ट करता है, तो उसका जो मेन चैलेंज होता है वो ट्रैफिक को ड्राइव करना होता है उस वेबसाइट पर। ये इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट तो हो जाती है, बड़े आराम से हो जाती है, आपको एक से एक अच्छा डेवलपर डिज़ाइनर मिल जाता है जो आपकी बेहतरीन वेबसाइट डेवलप कर देता है, लेकिन जो असल चैलेंज किसी के लिए भी है वो ये है कि उसको प्रमोट कैसे किया जाए, उसमें ट्रैफिक को कैसे लाया जाए, लोगों को जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन, उस तक कैसे उनको पहुंचाया जाए ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस वेबसाइट से, उस प्रोजेक्ट से, वो उनको कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो इसमें ये बहुत सारा, ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसको समझना और इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़्यादातर टेक्निक्स हैं, और वो टेक्निक्स ज़्यादातर अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। आप मुख्तलिफ चीज़ें जब ऑनलाइन ट्राई कर चुके होते हैं कि किस तरीके से जो यूज़ केसेस हैं, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, आपको बहुत सारी इस तरह की वीडियोस से लोगों के एक्सपीरियंस मिल जाते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके आजमाए हुए हैं और उनकी मदद से वो ट्रैफिक लेकर आए। असल में इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसकी है ऑन साइट SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि बहुत अहम है, जो कि एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये भी टेक्निक्स, टूल्स और प्लस एक्सपीरियंस इसके साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ टूल्स सीख लें तो आप SEO के माहिर हो जाएंगे या कुछ टेक्निक सीख लें, ये एक कॉम्बिनेशन है। जिस तरह आपके मुशाहदे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं कि किस तरीके से कंटेंट को मैनेज किया जाए, कौन से टूल्स किस वक्त इस्तेमाल किए जाएं तो ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। अब SEO की कई टाइप्स हैं। अब जब आप ऑर्गेनिक करते हैं, जैसे कि आप अपने लिंक को मैनुअली मुख्तलिफ वेबसाइट्स में फैलाना शुरू कर देते हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, या कोई ऐसी टेक्निक्स जिनसे आपको पेमेंट ना करनी पड़े, इंटरनेट और कोई सर्विसेज आपके लिंक को प्रमोट करना शुरू कर दें, या सर्च इंजन को में जो इंडेक्सिंग है वो इजी होना शुरू हो जाए, गूगल के मिजाज को, गूगल की टेक्निक्स को, गूगल के एल्गोरिदम को समझना बड़ा ज़रूरी है, और ये एक्सपीरियंस से आता है, ऑब्जर्वेशन से आता है। टूल्स तो अपनी तरह काम करते हैं लेकिन असल चीज जो है वो है आपकी टेक्निक्स और आपका एक्सपीरियंस। तो SEO को तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज ट्रैफिक ड्रिवन ड्राइव करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे पहले आपने जो है वो अपनी ऑन साइट जो SEO है उसको कंप्लीट करना है। फिर उसमें ऑफ साइट आती है कि आप बैक लिंक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जिसे मैं ऑर्गेनिक SEO कह रहा हूँ। तो अब ये भी टेक्निक्स, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी जो बैकलिंक्स क्रिएट करना है ये भी पुराना हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया अब, इस क्योंकि गूगल अपनी जो टेक्निक्स है, अपने टूल्स हैं, एल्गोरिदम है, वो तकरीबन हर 2-3 महीने बाद चेंज कर लेता है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो पहले नंबर 1 पर आ रही थी वो एकदम नंबर दूसरे तीसरे पेज पे चली जाती हैं, फिर उनको दोबारा SEO अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो दोबारा ऑनलाइन होती हैं। तो SEO को समझना और उसको करना ये एक बहुत अहम चीज़ है कि आप सर्च इंजन्स पर टॉप पे आ जाएं। तो एक तो ये तरीका है जो कि एक, जैसे मैंने कहा कि वजात खुद एक पूरा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको हायर करना पड़ेगा या खुद आपको सीखनी पड़ेगी SEO के।
इसके बाद अगर आप जो खुद आप कुछ कर सकते हैं वो ये है कि आपकी वेबसाइट में ब्लॉग लाजमी होना चाहिए, और क्योंकि वेबसाइट जितनी तेजी से ऑनलाइन अपडेट हुआ करेगी, गूगल या कोई भी सर्च इंजन इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि इस वेबसाइट से उसको कितना कंटेंट और कितना अपडेटेड कंटेंट मिलता है। अगर आपकी वेबसाइट डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपडेट नहीं हो रही तो गूगल का जो स्पाइडर है वो आएगा, एक दफा आएगा, फिर अगर उसको तमाम कंटेंट को इंडेक्स करके चला जाएगा। लेकिन अगर दोबारा आएगा, अगर आपके कंटेंट में कोई उसको नई चीज ना मिली तो फिर वो अपना टाइम फ्रेम बढ़ाता जाएगा आपकी वेबसाइट पर विजिट करने का। तो इससे आपकी जो एसईओ है, जो आपका सर्च इंजन जो पोजीशनिंग है वो डाउन होती चली जाएगी या आपकी इससे, और जब वो डाउन होगी तो ट्रैफिक भी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप तमाम वेबसाइट में आप देखते भी होंगे कि ब्लॉग्स होना जरूरी है, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी सर्विसेज से रिलेटेड कोई ना कोई नई कंटेंट लिख के, कोई आर्टिकल लिख के उसमें डाला करें वीकली बेसिस पे, हर दो दिन, तीन दिन बाद, चार दिन बाद कुछ अप टू 300 वर्ड्स कुछ एक चीज आपने डाल दी, जिससे क्या होगा कि जो आपका सर्च इंजन है उसको उसकी फूड मिलती रहेगी और वो आपकी वेबसाइट पर आता जाता रहेगा और इंडेक्सिंग बढ़ती जाएगी। जितने ज्यादा लिंक्स आपके गूगल पर लिंक इंडेक्स होते जाएंगे उतनी आपकी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। तो एसईओ के बाद दूसरा अहम चीज है कंटेंट, कंटेंट इज किंग। आपका और जब भी आप कंटेंट डेवलप करें ना, ये एक बड़ी अहम चीज है जो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका, जो हमारा एरिया है, इसमें जो वेबसाइट में मेजर फर्क है ना वेस्ट की और हमारी में, तो हमारा कंटेंट इतना डायनेमिक नहीं होता, हम इधर उधर से चीजें लेके उसको मॉडिफाई करके डाल देते हैं। अगर आप वाकई में अपनी प्रोडक्ट वेबसाइट को यूनिक करना चाहते हैं और बड़ी तेजी से इंडेक्स करना चाहते हैं तो उसकी कंटेंट जो अपनी सर्विस, जो आप अबाउट अस लिख रहे हैं, जो आप सब प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहे हैं, उसमें आप बड़े अच्छे कीवर्ड्स रिसर्च करके यूज करें, टाइटल ऑफ द पेजेस अच्छे अच्छे रखें, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स रखें, तो आप देखिएगा कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ट्रैफिक लाने में, आपको गूगल और सर्च इंजन वगैरह खुद हेल्प आउट करेंगे कि आपकी ट्रैफिक खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप देखते होंगे अगर आप डेवलपर एंड डिजाइनर हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स जब आप डिजाइन करते हैं उस पर बहुत तेजी से ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, तो उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी क्लिक कर रही होती है जो कि सर्च इंजन को मदद दे रही होती है कि आपको ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा दे सके। तो ब्लॉगिंग होगी, इसमें कीवर्ड्स का ख्याल रखना है, ट्रेंड्स को देखना है, ट्रेंड इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हैं, खुद गूगल की ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जिनसे आप जो कीवर्ड्स हैं और जो ट्रेंडिंग फ्रेजेस हैं वो आपको पता लग सकते हैं, उनको यूज करें, उनको ये कीप ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको आपने देखते रहना है और अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहना है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता बबल अप होती जाए। उसके बाद आजकल जो नया सिस्टम है, अब ये भी नया नहीं रहा, सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया अब हमारे इस खत्ते में बहुत ज्यादा रच बस गया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा मीडियम है ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर लेकर आना। और बेसिकली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी फेसबुक पर पेज बना लिया तो वो काफी है, ये है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें सोशल मीडिया का जो कंटेंट है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होता, रिलायबल नहीं होता, तो लोगों में अब ये चीज भी डेवलप हो चुकी है कि वो फेसबुक की पोस्ट या कोई पेजेस या उनको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। अगर किसी बिजनेस या किसी प्रोडक्ट को वो सीरियस लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उसकी वेबसाइट पर जाते हैं, क्योंकि वेबसाइट और डोमेन नेम और होस्टिंग वगैरह, इसका मतलब यह है कि इट्स अ प्रॉपर कंपनी और वो एक लीगल एंटिटी डोमेन नेम के साथ किसी जगह पे बैठे हैं जिसमें उनका लीगल एड्रेस भी होगा उनकी सारी, तो वो उससे एक ऑथेंटिकेशन आती है। तो वेबसाइट की इम्पोर्टेंस कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जो लोग ये सोचते हैं कि शायद फेसबुक पेज हमने बना लिया, फेसबुक पेज फेक भी हो सकता है, गलत भी बोल सकता है, क्योंकि उसको वो किसी भी लीगल बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता या उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती जो भी कुछ उसमें प्रेजेंट हो रहा होता है। तो इसलिए, लेकिन ये है कि जो हम ट्रैफिक जनरेशन की बात कर रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट है
तो आप उसका पेज डेवलप कीजिए. पेज में रेगुलर बेसिस पे खूबसूरत अच्छी इंफॉर्मेटिव पोस्ट क्रिएट करें और उसमें लिंक दें अपनी वेबसाइट का, और उसको फिर आप पेड फेसबुक की अपनी पेड कैंपेन्स भी चलते बूस्टिंग होती है और ऑर्गेनिकली आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाकर उसको शेयरिंग करते रहें, अपने दोस्तों को फैमिली वालों को कहें कि इसको शेयर करें, अपने खुद स्टाफ को कहें कि शेयरिंग करते रहें, तो वो ऑर्गेनिकली स्प्रेड होता जाता है फेसबुक में, तो उससे भी आपको ट्रैफिक बड़ी अच्छी मिल सकती है. इसके बाद एक ट्रेडिशनल तरीका जो पहले हम लोग यूज करते थे, अभी भी अब बाज लोगों का ये भी ख्याल है कि ये भी तरीका इतना इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि आप जितनी भी बड़ी कंपनियों को देखेंगे जो कि इस वक्त किंग हैं ऑनलाइन सर्विसेज के और जायंट हैं, वो अभी भी इस तरीके को बिल्कुल कंटिन्यूसली कर रहे हैं और इसी से उनको मेजर लीड्स मिलती हैं, दैट इज ईमेल मार्केटिंग. तो अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसे फीचर अपने डेवलपर से जरूर कहें कि वो रखे कि जिससे इंफॉर्मेशन गैदर हो सके जो भी आपके विजिटर्स हैं. जो देखें वेबसाइट पे जब विजिटर आता है ना, तो वो उसने उसका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, और अगर उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो वो आपकी वेबसाइट पर हमेशा आता रहेगा. तो इसलिए क्या करना है कि आपने अब वो इन्फॉर्म भी रखना चाहता है अपने आप को, तो आपने न्यूज़लेटर सिस्टम इसमें जरूर डेवलप करना है, या मेलिंग लिस्ट आपका कोई ऐसा पोर्शन जरूर होना चाहिए जहां पे एक ब्लॉग बना हुआ हो, जहां पे आप सब्सक्राइब टू और वेबसाइट टू कीप इन्फॉर्म का एक जुमला हो, या सब्सक्राइब टू और वीकली न्यूज़लेटर, तो उसमें वो अपना नाम और ईमेल छोड़ के जा सके, तो जो आपका डेटाबेस है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा ईमेल्स का और लोगों का. तो क्या होगा कि आप उसको वीकली या मंथली बेसिस पे कोई एक छोटी सी ईमेल बना के भेज सकेंगे. अच्छा, इसमें अब लीगैलिटी भी थोड़ी सी इन्वॉल्व है. अब जब आप इस तरह की कोई चीज वेबसाइट पर दे देते हैं तो क्या होता है कि आप और वहां पे कोई भी आके अपना नाम और ईमेल एड्रेस भेज देता है, तो वो आपको अलाउ कर देता है कि आप वो आपकी ईमेल्स रिसीव करना चाहता है, तो ये लीगल हो जाता है. अगर आप वैसे किसी थर्ड पार्टी से, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स में मिलती हैं जहां से आपको बल्क में ईमेल एड्रेसेस मिल जाते हैं और फिर आप स्पैमिंग शुरू करते हैं, दैट इज स्पैम, जो किसी वक्त भी रिपोर्ट हो सकता है और आप किसी उसमें मुश्किल में आ सकते हैं. लेकिन हमारे खत्ते में, पाकिस्तान में और इधर ये चीजें चल जाती हैं, कोई इसमें पीछे नहीं आता, लेकिन अब थोड़े से लोग इसको समझना शुरू हो गए हैं, इस वजह से ये चीजें अब कॉपीराइट और ये स्पैमिंग आती जा रही है. तो इसमें ये बेहतर यही है कि आप लीगल तरीके से और अच्छे तरीके से उनके जो इन्फॉर्मेशन है वो लें और फिर उनको एंगेज रखें अपनी उसके साथ. तो उससे एकदम जैसे ही आपका न्यूज़लेटर जाएगा तो लोग फौरन उस पर क्लिक्स करेंगे और आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो ट्रैफिक इंक्रीज होगी. तो ये चीज है कि ईमेल मार्केटिंग आपने जरूर करनी है. फिर इस तरह अपने अपनी वेबसाइट के ओवरऑल डिजाइन पे भी ख्याल रखना है कि वो एक तो ये कि आजकल के हिसाब से, क्योंकि वेबसाइट जो है वो ज्यादातर मोबाइल डिवाइसेस से एक्सेस हो रही होती हैं, टैबलेट से या मोबाइल से, तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यानी कि उसका लेआउट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर ले. तो इस तरह की वेबसाइट्स को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं या मोबाइल फ्रेंडली कहते हैं, तो ये जरूर होना चाहिए. अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो लोग आएंगे तो उस पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो कंटेंट को समझ नहीं सकेंगे अपनी छोटी स्क्रीन पर, तो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए. सेकेंडली जो पेजेस हैं इसमें बहुत सारे लोग, जब बहुत ज्यादा वेबसाइट बड़ी हो जाती है तो बहुत सारे लिंक्स खराब हो जाते हैं, इनको हम ब्रोकन लिंक्स कहते हैं. ब्रोकन लिंक्स का ना सर्च इंजन्स पर और जो सर्च स्पाइडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को बहुत खराब करते हैं, तो इसलिए आपने अपनी वेबसाइट्स के ब्रोकन लिंक्स, ऐसे लिंक्स जो कि एरर पेजेस की तरफ जाएं, एरर पेज लाजमी होना चाहिए आपकी वेबसाइट पर जो 404 होता है. अगर वो नहीं है तो फिर बिल्कुल आपका जो यूजर है, आपका जो विजिटर है, वो बहुत आइंदा कभी नहीं आएगा. यानी अगर वो किसी गलत लोकेशन पे भी आ गया तो उसको कोई एरर पेज आना चाहिए जिससे उसको पता लगे, या उसमें कोई मजीद लिंक्स हों जिससे वो वापस अपने आपके मेन पेजेस पे आ सके. अगर उसको कोई सिर्फ एरर ही नजर आया ओके, तो है वो आइंदा ये समझेगा कि ये वेबसाइट ब्रोकन है, खराब है, वो आइंदा नहीं आएगा.
और आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी. तो ये चीजें जरूर रखनी. फिर दूसरी चीज है स्पीड ऑफ वेबसाइट. आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए. यानी कि जो टिपिकली वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट्स हैं ना, वो 5 सेकंड के अंदर अंदर खुल जानी चाहिए उनका जो होम पेज है. अगर वो इससे ज्यादा ले रहे हैं तो लोग उसको पसंद नहीं करते. और क्या होगा कि वो एक तो मोबाइल से एक्सेस हो रही होती है ज्यादातर, और मोबाइल की स्पीड्स कम होती हैं, तो क्या होगा कि वो ज्यादा देर उस पर रुकेगा नहीं अगर वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है. तो टिपिकली इसमें आपको आप ख्याल रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो स्पीड उसकी अच्छी हो, विद इन 5 सेकंड वो खुल जाए उसका होम पेज, उसमें जो ग्राफिक्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो, ज्यादा टाइम ना लें खुलने के लिए. और ये जो आपके डिजाइनर हैं वो बहुत अच्छी तरह इस चीज को जानते हैं. तो ये चीज हो गई. उसके बाद और क्या हम इसमें देख सकते हैं कि और डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं. डायरेक्टरी वेबसाइट्स जो कि बहुत सारी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके एरिया में, आपके मुल्क में, आपके उसमें बहुत सारी डायरेक्टरी सर्विसेज अवेलेबल होंगी ऑनलाइन. तो उसमें से कुछ पेड होंगी, कुछ फ्री होंगी. तो जो भी चीज़ मिले, जिसको भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, या अगर आपका बजट नहीं है तो फ्री वालियों को ढूंढ के उसमें अपना लिंक क्रिएट करना शुरू कर दें. इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि फ्री ब्लॉगिंग होती है, जहां पे आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं. तो वहां पे अपनी कंपनी के बारे में विद योर लिंक आप आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू करते हैं. तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही होती है और गूगल और सर्च इंजन वहां पे बहुत ज्यादा इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपके आर्टिकल्स की वजह से आपकी वेबसाइट पर बहुत सारी ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकती है. इसके बाद और हम देख सकते हैं कि जो कैशे आपने जरूर अपनी वेबसाइट पर रखनी है, ऑन करनी है. डेवलपर ये बात जानते होंगे कि कैशे ऑन रखना है. सीडीएनस जो मिरर वेबसाइट्स होती हैं वो आपने क्रिएट करनी है, जिससे ये कैशेज और सीडीएन वो यही है कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी वेबसाइट की, आप तेजी से यूजर एंड पर खुलना शुरू हो जाएगी. तो ये चीज हो गई. उसके बाद और क्या कह लें कि ट्रेडिशनल जो आपकी प्रिंटिंग है, कार्ड्स, लेटर हेड वगैरह, और वो उन पे यूआरएल आपको लाजमी होना चाहिए, जो वेबसाइट का एड्रेस है उसको भी देख के लोग आजकल फौरन सबसे पहले वेबसाइट पे जाते हैं. आपने कार्ड किसी को दिया, उसने उस पर वेबसाइट लिखी हुई देखी, तो वो सबसे पहले जाके आपकी वेबसाइट देखेगा. तो ये चीज आपने जरूर करनी है. उसके बाद अगेन हम यूजर वेबसाइट की तरफ आते हैं. वेबसाइट में कुछ ऐसी चीजें आपने रखनी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एंगेज हों, जिससे लोग आपसे एक कनेक्टेड रहें. तो उसमें यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम आप लाजमी रखें, ताकि कोई भी चीज, जिस तरह आप कोई ऑनलाइन शॉप है या कोई पोर्टल है या कोई भी चीज आप दे रहे हैं, तो उस पर रजिस्ट्रेशन हो सके लोगों की, लोग आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं. इसमें आप वही फायदा होगा कि आप उनको वक्तन फवक्तन कोई लिंक्स वगैरह सेंड कर सकेंगे, जिससे वो फौरन आपकी वेबसाइट पर आएंगे. जैसा इसमें सर्वे हो सकते हैं, पोल्स हो सकते हैं, जिनसे आपको यूजर एंगेजमेंट बढ़ती है, तो इनसे ट्रैफिक भी आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. और क्या गूगल के जो टूल्स हैं, एनालिटिक्स हैं, जिसमें आपकी सारी परफॉर्मेंस आ रही होती है, उसमें अपना अकाउंट जरूर बनाएं अपनी वेबसाइट के लिए. गूगल कंसोल है, जैसे वेब मास्टर टूल्स होते हैं, उसमें अपनी वेबसाइट को जरूर रजिस्टर करें. वो आपको छोटे छोटे कोड देंगे वेरिफिकेशन के, वो अपने आपका डेवलपर डिजाइनर जानता होगा, उसको कहें कि जी ये गूगल एनालिटिक्स में इसको रजिस्टर करवा दें, इसको गूगल कंसोल में जो वेब मास्टर टूल्स हैं उसमें इसको होना चाहिए. तो ये सारी चीजें क्योंकि गूगल मेन इंटरनेट, तो इन गूगल आपकी वेबसाइट को फिर की हिफाजत करेगा. अगर आप उनके टूल्स में इसको रजिस्टर करवा देंगे तो वो इसको सारे कोड को चेक करेगा कि इसमें कोई हार्मफुल चीज नहीं है, कोई फिशिंग अटैक नहीं है, कोई हैकिंग अटैक नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो कंफर्टेबली उसको इंडेक्स कर सकेगा. तो ये अगर आप एनालिटिक्स और गूगल कंसोल में इसको रजिस्टर करवाएंगे तो इस तरह के थ्रेट से आप महफूज रहेंगे, तो आपके जो लिंक है वो फॉरवर्ड होता रहेगा और ट्रैफिक आपको मिलती रहेगी. अब एक और चीज ये कि अगर आपने आपका जो बिजनेस है
वो उसकी गूगल प्लेसेस में उसकी रजिस्ट्रेशन जरूर करें, जो आपका फिजिकल एड्रेस है उसमें मैप में उसको जरूर इंडेक्स करें. उससे क्या फायदा, उससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है. तो ये कुछ चीजें थी जिन जो इसके अलावा बहुत सारी हैं, लेकिन हम इसको कवर, मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया. अगर यही कुछ आप देख लें, ख्याल रखें अपनी वेबसाइट बनाते वक्त या आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को इस तरीके से आप लेके चलें, तो विद इन मंथ और टू मंथ आपकी ट्रैफिक में बड़ा अच्छा इजाफा हो जाएगा. तो ये था आज की एपिसोड, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. और अब मैं कोशिश करूंगा, मुझे टाइम थोड़ा सा मेरी वीडियोस में गैप काफी आ जाता है, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से मैं वीकली आपको दो या तीन टॉपिक्स पे जरूर आपसे बात करूं और अपनी नॉलेज आपसे शेयर करूं. तो ये इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मेरी नई कोई लेक्चर आए तो आपको पता लग जाए, आपको नोटिफिकेशन चला जाए. तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम.